हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट विद अ न्यू वीडियो MPC 006। हमने MPC 005 की जो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, हमने अपलोड भी कर दिया है और आप लोगों ने उसका रिस्पांस भी दिया, लेकिन उसके अंदर एक जो कमी आ रही है वो क्या है, आप वीडियोस को कंप्लीट नहीं देख रहे, क्योंकि नोट्स लेने का तभी बेनिफिट होता है जब है जो आप वीडियोस को कंप्लीट देखें, क्योंकि नोट्स है जो मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं और उनको समझने के लिए आपको वो वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं MPC 006 की एक क्विक रिवीजन। वीडियो ये लंबी नहीं होने वाली, जितनी होगी हम जहाँ तक होगा कंप्लीट टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। इस जो वीडियो के अंदर आपको राइटिंग के अंदर थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था आपको कंप्लीट MPC 006 के नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन वीडियो के रिस्पॉन्स से मुझे है जो शॉर्ट वीडियो ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए नॉर्म प्रोबेबिलिटी कर्व का डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मेलिटी विद सुटेबल डायग्राम। तो हमारा यहाँ पर जो क्या होगा, ये हमारा नॉर्म प्रोबेबिलिटी कर्व का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन लिखनी है हमें नॉन पैरामीट्रिक की। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक, और एक हमारा नॉन पैरामीट्रिक, ये दो। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फेरेंशियल, ये दो। ये क्या है, पहली यूनिट के अंदर ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक पर बने या पैरामीट्रिक पर बने, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर बने या इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर बने। तो पैरामीट्रिक की अजम्पशन कर लीजिएगा आप, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसे ही नॉन पैरामीट्रिक की एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, जो मैंने ऊपर बता दिया है, और एक क्वेश्चन आपका लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप पर बन सकता है। डायग्राम जरूर आप बना कर आना। पियर्सन प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं आपको अलग बताऊँगा, ठीक है। फिर दोबारा मैंने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, आप कैसे मेजर करोगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लीजिएगा। और फोर मेजर स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो टेक्निक्स कौन कौन सी है, ग्राफिकल, टेबुलेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको वीडियो इसके अंदर और बता दूंगा, ठीक है। ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व के है, जो हमारे पास कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये सिर्फ है जो एक एस्टीमेट है पेपर का, हो सकता है इसके अंदर से, जहाँ तक चांसेस है मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, हाइपोथेसिस से हम शुरू करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस मैंने रिसर्च मेथड्स MPC 005 के अंदर बता दिया था आपको। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में और बेल आइकन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नल हाइपोथेसिस वो होती है जब हमारी है जो जहाँ पर रिजल्ट है वो जीरो होता है, हम उसके बाद जब वो रिजेक्ट हो जाती है तो हम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर जाते हैं उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के अंदर है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से होंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशन, मीनिंग, ये सभी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर क्या आता है, जेड टेस्ट आ जाता है, टी टेस्ट आ जाता है, एफ टेस्ट जिसको हम एनोवा टेस्ट भी बोल देते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट जिसे हम मैन विटने यू टेस्ट और एच टेस्ट, इन चीज़ों इन सभी टेस्टों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले एफ टेस्ट के साथ। मैं आपको सबसे पहले थ्योरिटिकल पोर्शन साथ के साथ कोशिश करूँगा मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा सकूँ। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आई होप आपके जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ये वीडियो देखने के बाद। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट जैसा कि आपको मैंने बताया, आप भी एक ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वैसे भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पैरामीट्रिक टेस्ट है ये, किस चीज़ का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैंने ग्राफ के अंदर आपको समझाया अभी बनाकर जो थोड़ा फिगर आउट करके। पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, थ्योरेटिकल उसके अंदर है जो, इट इज़ असेंशियल टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मेन वैल्यू। हम क्या निकालते हैं इसके अंदर, मेन वैल्यू निकालते हैं सैम्पल साइज की और जो पॉपुलेशंस की, दोनों की मेन को निकाल कर हम कंपेयर करते हैं कि हमारी मेन वैल्यू कितनी, जो कितना डिफरेंस है। जब हमारा सैंपल साइज़ है जो लेस देन 30 होता है तब हमें जो टी टेस्ट, और जब सैंपल साइज़ ग्रेटर देन 30 होता है उस टाइम हमें जो एच टेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो सॉरी एच का नहीं, जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो
इसकी कुछ अजम्पशंस है। पैरामेट्रिक टेस्ट को जब हम आप जो थ्योरेटिकल प्रोग्राम पढ़ोगे, जब मैं थ्योरेटिकली आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको देखने का, वहाँ पर हम बताएंगे कि भी पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस को अज्यूम करते हैं, सॉरी, हम कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं और उनको वैलिड दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर वो वैलिड हो जाता है तो हमारा टेस्ट है मीनिंगफुल हो जाता है। ओके, तो टी टेस्ट के अंदर कौन कौन सी अजम्पशन होगी कि भी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी नॉर्मली, सैम्पल साइज है, जो सैम्पल है वो रैंडम और इंडिपेंडेंट होंगे, सैम्पल साइज हमारा स्मॉल होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। ये चार चीज़ों का आपने ध्यान है जो रखना होगा। जो मैन विटने टेस्ट है वो है जो काउंटर पार्ट है टी टेस्ट का, ये भी आपको बात ध्यान रखने की है। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आप लोगों की इच्छा भी इन शॉर्ट वीडियो देखने की है। तो टी टेस्ट समझ उसकी थ्योरेटिकल लिखने के बाद है जो आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, अगर आपके पास है जो आई होप क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के भी उठाकर, तो मैंने एनालिसिस करके आपके लिए जो एक पैटर्न सा तैयार किया है। हमने सबसे पहले ग्रुप ए लिख दिया, ग्रुप बी लिख दिया, इसके अंदर हमने स्टेटमेंट जो राइट डाउन कर रखे हैं यहाँ पर है। जो क्या करना है, सबसे पहले आपको भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट मिलेगी, ऐसी स्टेटमेंट मिलते ही अगर आपको टी टेस्ट लगाने को बोल दिया जाए तो आपके पास सबसे पहले दिमाग के अंदर फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है टी टेस्ट का? फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एक्स वन मीन एक्स टू मीन बाय एस मल्टीप्लाई बाय रूट एन वन इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अब यहाँ पर एक्स वन क्या है, एक्स टू क्या है, ये है मीन ऑफ पॉपुलेशन वन, मीन ऑफ पॉपुलेशन टू, एन वन सैम्पल साइज ऑफ वन, सैम्पल साइज ऑफ टू। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, एस है जो हमारे पास है जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर टर्म सारी क्लियर हो गई, आप फॉर्मूले को राइट डाउन कर लीजिए अपने माइंड के अंदर, जिसको फ्रेम कर लीजिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक्स वन क्या है। अभी हमारे पास ये सैम्पल वन दे रखा है, ये हमारे पास सेकेंड सैम्पल दे रखा है, हमने क्या लिख लिया, एक्स वन को ऐसे राइट डाउन कर लिया, एक्स टू को यूं, मतलब हमें जो कॉलम के अंदर इनको राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका जो मेन निकालेंगे, हम मेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इन सभी को जोड़ कर लेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद जो टोटल नंबर से इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, इनका जो टोटल है वो 37 है, एक्स वन सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स वन एंड समेशन ऑफ एक्स टू हमारे पास 42 हो गया। एक्स वन को जो हम मेन निकालेंगे तो इनको टोटल नंबर है हमारे पास 10 दे रखे हैं ये, और उसके बाद है जो इस पर भी 10 है तो हमने इनको डिवाइड कर लिया, ये हमारी मेन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं मेन वैल्यू एक्स वन आ गई, एक्स टू आ गई, उसके बाद हमारे पास एन वन अवेलेबल है, एन टू अवेलेबल है, एन वन और एन टू। अब हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होगी। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर है जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, एक्स वन माइनस है जो मीन हमारा सैंपल वन का जो मीन है उनका टोटल का होल स्केयर प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू का मीन अपॉन होल स्केयर, और डिवाइड कर देंगे हम एन वन प्लस एन टू माइनस टू से। ठीक है, तो उनका टोटल का रूट है। अब ये वैल्यूज़ आपको कैसे पुट करनी है, ऑब्वियसली बात है हमारे पास एक्स वन है, एक्स टू है, तो हम क्या करेंगे, उनका मीन है और उस मीन से जो हम इनको माइनस कर लेंगे, एक्स वन में से एक्स वन के मीन को डिवाइड वो माइनस करेंगे 3.7 को। ऐसे ही आपको सभी को करना है, जहाँ तक मुझे पता है आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड रहेगा एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये आपके लिए इजी हो सकता है। ऐसे ही आप यहाँ से डिवाइड करोगे, ऐसे ही आप यहाँ से सॉरी माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद आप इनका स्केयर करोगे। स्केयर करने से क्या होगा, आपका जो यहाँ एक तो यहाँ पर ही भी मोड लगा हुआ है जो फार्मूले के अंदर, वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप स्केयर करोगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर हमें जो स्केयर ही पूछा है, स्केयर की वैल्यू पुट डाउन करनी है। फिर हमें इनको स्केयर करने के बाद है जो यहाँ पर इनको समेशन करना होगा 224.125.6। तो बिल्कुल आसान है टी टेस्ट, आप है जो कोई भी एग्ज़ाम का जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, आप ये फॉर्मूला पुट करोगे इजीली आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप है जो आंसर निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 1.66 आ चुकी है और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, कुछ भी तो बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है भाई। MPSC 06 के अंदर है जो पास होना बिल्कुल ईजी है। एक आप चाहे तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार करके चले जाइए, या आप है जो न्यूमेरिकल पोर्शंस को तैयार करके चले जाइए, और जहाँ तक मेरी एडवाइस है आपको पर्सनली लगा लीजिए या फिर कैसे भी लगा लीजिए, आप है जो न्यूमेरिकल पोर्शन को करके जाइए, वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा टी टेस्ट था, सिंपल सा टी टेस्ट, आपको थ्योरी भी बता दी गई है
और है जो आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया गया है। अब इसको एक्सप्लेन करने में मैं ना इनको डायरेक्ट आपको जो ऑन कैमरा भी आपको दिखा सकता था ड्राई डाउन करके, क्योंकि लेकिन उसमें ना टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जो पहले भी यूट्यूब पर, लेकिन उनमें टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट के अलग है, टी टेस्ट के अलग है। इसके अंदर आपको सभी टेस्ट एकदम मिल जाएंगे। अगर आपको ये करके भी देखना है तो आप वीडियो को पोस्ट करें और जो कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एनोवा टेस्ट। तो एनोवा टेस्ट के अंदर क्या है, एनोवा टेस्ट को बताया गया है कोल्ड एज हम क्या कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का हम जब एनालिसिस करते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन पार्ट है। क्या होता है, टी टेस्ट के अंदर अब हमने क्या किया था, हमारे पास दो सैंपल्स थे, दो सैंपल ग्रुप थे, उनके जो मेन को कंपेयर किया था, क्या किया था, मेन को कंपेयर किया था, या फिर एक सैंपल ग्रुप हो तो हमें जो क्या करते हैं टी टेस्ट लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो सैंपल साइज़ है वो 30 से कम होना चाहिए, ओके। तो अनोवा टेस्ट क्या एक्सटेंशन पार्ट है, ऑब्वियसली बात है हमारे पास सैंपल्स ज़्यादा हो जाएंगे, हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब दो और दो से ज़्यादा सैंपल ग्रुप हो और मेन वैल्यू को कंपेयर करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनोवा यूज़ करेंगे। एनोवा कौन कौन से होते हैं, वन वे एनोवा टेस्ट होता है और टू वे एनोवा टेस्ट होता है। अब हमें जो वन वे एनोवा टेस्ट करने वाले हैं, वी कैन से दैट इट इज़ यूज टू द टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मेन वैल्यूज अमंग मोर देन टू सैंपल। जहाँ पर हमारे दो से ज़्यादा सैंपल ग्रुप्स हैं हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एफ टेस्ट हैं वो स्टेटिस्टिकली टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन and the relative variance between them। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, इसको F statistics को हम कैसे define कर सकते हैं, samples mean के बीच का variance, S1 जो होगा हमारा, मान लीजिए वो sample का जो sample के जो mean निकालेंगे उनके दोनों के बीच के वेरियंस हो गए, और एक हमारा हो गया वेरियंस विद इन द सैंपल, जो सैंपल्स के बीच में वेरियंस होगा हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं उनको निकालेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने हमने उसका फॉर्मूला राइट डाउन किया था, जो एस की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन एन माइनस वन, यहाँ पर समेशन का होल स्केयर है। आपने अभी अभी टी टेस्ट के अंदर है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था ना, तो वही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनोवा टेस्ट। चलिए अब हम इस पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है सबसे लेंथी जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है एनोवा के ऊपर बनने वाला है, और शायद 100% जहाँ तक मैं शोर हूँ 99.9 कह दूँ, क्योंकि कई बार जो कमेंट्स आते हैं कि भी आपने बोला और आया नहीं, तो इसके लिए हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है 99.9% है जो एनोवा टेस्ट आपका बनने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ग्रुप ए दे दिया, ग्रुप बी दे दिया, ग्रुप सी दे दिया, हमारे पास तीन सैंपल ग्रुप्स हो गए। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 7 स्टेप्स है एफ रेशियो तक, उसके बाद भी मैं अगर आपको चाहूँ तो हो सका पॉसिबल तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आपको सोल्व करने का तरीका बताएंगे कैसे आपको सोल्व करना है, क्योंकि बहुत से स्टेप्स एक पैटर्न होता है, वे वो पैटर्न जब है जो हम एग्ज़ाम को करते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट आ रहा है, ठीक है। आप MPC 005 को देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप वहाँ देखोगे उसको तो रिसर्च मेथड के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ भी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो हेल्प करेंगे तो आपको MPC 004, 003 और 002 के अंदर भी, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी या एथनोग्राफी है वो 2-3 बुक्स के अंदर आई हुई है, वहाँ पर टॉपिक्स है जो आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमने वहाँ पर आपको क्लियर करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रुप वन, आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्या मिलेगी, एक्स वन मिलेगा, मतलब ग्रुप्स के अंदर है जो ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। आपको इनका स्केयर करना होगा, मैंने बताया आपको पहले भी, आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको एग्ज़ाम के दौरान ही पता चलेगा, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, समेशन एक्स वन निकाला, इसका मेन निकाल दिया, इसका स्केयर जो हमने किया एक्स वन का स्केयर उसका समेशन निकाला, एक्स टू का समेशन निकाला और एक्स टू के स्केयर का समेशन, एक्स थ्री का समेशन और एक्स थ्री के स्केयर का समेशन, ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है हमारा करेक्शन टर्म निकालने का है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी एक्स के साथ। आपका कोई भी एनोवा का टेस्ट हो, सबसे पहले आपको ये आप चाहे क्रैम कीजिए, क्योंकि हमें समझाने का मौका आपको नहीं मिला है, ठीक है। हो सकता है हम आपको इस वीडियो के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी ये वीडियो एक और ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो करेक्शन टर्म निकालेंगे, इसका जो फार्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर अपॉन एन। ये आप ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर है, यहाँ पर हम जब एक्स को ओपन करेंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक्स के अंदर कौन कौन सी टर्म आ जाएंगी, 3 टर्म आएंगी, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, जो कि हमारे सैम्पल ग्रुप दिए हुए हैं।
हमने इनका जो समेशन का होल स्क्वायर निकाला, समेशन ऑफ एक्स वन जो कि हमने यहाँ पर देखा 94, 122, 84, हमने इनको सम किया अपॉन में इनका जो सैम्पल साइज लिखा n1, n2, n3 डिवाइड करेंगे 30 से और 300 का यहाँ पर स्क्वायर जो कि हमारा सी एक्स की वैल्यू 3000 आ गई। ठीक है, आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं क्योंकि जब आप खुद इसको प्रैक्टिकली राइट डाउन करके या प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सेकंड स्टेप जो होगा हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालेंगे जिसको हम SST सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल के नाम से हम इसको जानेंगे, सेकेंड स्टेप होगा। अभी हमने सी एक्स निकाल दिया, इसका यूज़ है जो आखिर तक रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल क्या करेंगे, अब हमें जो सम ऑफ स्क्वायर, जैसे कि इस टर्म का नाम है सम ऑफ स्क्वायर, तो हम इसका यूज़ करेंगे सम ऑफ स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस सी एक्स, मतलब करेक्शन टर्म। तो समेशन एक्स को जब हम ओपन करेंगे, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको जो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक्स वन का स्क्वायर करेंगे, एक्स टू का स्क्वायर और एक्स थ्री, तीनों को ऐड करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे करेक्शन टर्म्स के अंदर से। तो यहाँ पर हमने देखा निकाला था 916, 1568 और 758 आ गई, इनको तीनों को ऐड करेंगे -3000 और SST हमारी 242 आ जाएगी। ओके, थर्ड जो स्टेप है हमारे पास जो बनेगा वो है SSA, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अमंग द ग्रुप, जैसे कि हमने फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। अब अमंग द ग्रुप कैसे निकलेगी, ग्रुप को के अमंग मतलब के बीच निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समेशन ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए, अब नोट करने की बात है, वहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर समेशन एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब समेशन एक्स का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स वन की वैल्यू क्या हुई थी हमारे पास 94 थी, 9122 थी, 84 थी, अब इनका स्क्वायर करना है, उसके बाद हमें सैम्पल साइज से इसको डिवाइड करना होगा और यहाँ पर हमारा सी एक्स आ जाएगा, फिर हमारी वैल्यू है जो आपको, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है ये मत सोचिएगा, वीडियो इतनी आसान और इतनी ईजिली हमने बना दी तो आपको इतना ही टाइम लगा, हमें भी काफ़ी टाइम लगा है ये रफ़ नोट तैयार करने के लिए, क्यों ये फेयर नोट नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट सा था कि हम ऐसे आपको जो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी टाइम का थोड़ी कमी देखते हुए हमें जो ऐसे ही आपको पढ़ाना हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टेप फोर आता है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। यहाँ पर हमने अमंग द ग्रुप निकाला और यहाँ पर हम स्क्वायर विद इन द ग्रुप निकालेंगे, इसका फॉर्मूला रहेगा SST - SSA। अब आपके लिए स्टेप्स है जो इजी हो जाएंगे, आपने यहाँ पर क्या निकाला था, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, अब इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो विद इन द ग्रुप निकल जाएगा 164। आपको जो ये फार्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारा पास, मीन सम ऑफ अमंग द ग्रुप, मीन सम ऑफ अमंग द ग्रुप MSSA, जिसको हम कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, जैसे कि SSA को बाय K-1, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो K-1 रहेगा। ठीक है, अभी K की वैल्यू क्या रहेगी, 3, क्योंकि हमारे पास सैम्पल ग्रुप कितने हैं, 3 है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप हमारे पास 3 है, तो 3 रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको वही बात है, कैलकुलेशन हो गई भाई, ये तो फॉर्मूला है ना। ठीक है ना, तो आप देखते रहिए बस, अब तो वीडियो को ही आपको राइट डाउन करने होंगे ये फार्मूलाज, क्योंकि ये सभी एक जगह आपको ढूंढने पे मिलेंगे, शायद आप ई ज्ञान कोर्स को वहाँ पर सर्च कर रहे हो। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है। तो उसके बाद आता है मीन ऑफ द सम ऑफ विद इन ए ग्रुप, SSW अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो n-k रहेगी। अब ये चीज़ें आपको समझने के लिए फर्दर वीडियो देखनी होगी, फिलहाल मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। 164.4 को हम 30.3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास है जो n, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी और k यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा जो कि सॉरी डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो n यहाँ पर 30 हो गया बिकॉज हमने सभी को ऐड कर दिया, 10+10+10। अदरवाइज आपका अभी भी कोई जो डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दिए, हम आपका डाउट है जो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप्स है वो एफ रेशियो निकालना होता है। अब हमने यहाँ पर मीन SSA निकाल लिया और मीन है जो SSW निकाल दिया, उनकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास है जो एफ रेशियो आ जाएगी। एफ रेशियो अब हमें जो क्या करना होगा, समरी बुक से देखना होगा कि जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमारी एफ की वैल्यू और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कितना ग्रेटर है, या जैसे 6.38 है, 6.38 है तो हमारे पास है जो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी, क्रिटिकल वैल्यू 0.01, लेवल ऑफ सिग्नी 5.49। तो हमने यहाँ पर है जो कंक्लूजन निकाला, क्योंकि जो एक टेबल्स दी हुई होती है आपको भी पता हो अगर आपने अभी तक पढ़ा हुआ है तो,
तो टेबल के अंदर आपको जो कंपेयर करके देखना होता है कि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है क्रिटिकल से, तो हमारी एच नोट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और फिर हमें जो फर्दर जो अल्टरनेटिव स्टेट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर चले जाएंगे। तो ये था हमारा एनोवा टेस्ट, 7 स्टेप थे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास टेस्ट वो है काई स्केयर टेस्ट। तो काई स्केयर टेस्ट आपको पता ही होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। इसका यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल मिले हैं आपको, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे पास है जो गुडनेस चेक करने के लिए जो टेस्ट की, ठीक है, जो हम जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू की या जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उनकी। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना वो क्या है, एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सीधी सी बात जो अगर मैं आपको बता देना चाहूँ इन शॉर्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, आप फॉर्मूले को बस अपने माइंड के अंदर फ्रेम कर लीजिए, बिकॉज फॉर्मूला ज़्यादा मायने रखता है भाई, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ग्रेटर द डिफरेंस से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ काई स्केयर। क्या कहने का मतलब है, जो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर जो हमारे पास आंसर मिलेगा, अगर वो ज़्यादा अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो काई स्केयर वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, अगर कम हुई तो कम रहेगी, अगर नहीं हुई तो जीरो रहेगी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हमें जो डायरेक्ट है जो न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर जो ज़्यादातर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो चांसेस आप न्यूमेरिकल पोर्शन कीजिए आप अगर जो पास तो जरूर ही जरूर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काई स्केयर के अंदर है जो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए हमारे पास है जो यहाँ पर दे दिए गए हैं एक स्टेटमेंट जो कि हमने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, मेल से पूछा है, फीमेल से पूछा है। अब कितने एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं और कितनों ने डिसाइड ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये आपको मिलेगी ऐसे मिलेगी, मतलब ये 3 टर्म मिलेंगे आपको, ठीक है, इनको आप है जो कवरअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस टेबल के अंदर है जो आपको है जो ये टोटल निकालना होगा, यहाँ से टोटल, यहाँ से टोटल, यहाँ से टोटल और फिर ये टोटल, फिर ये टोटल। एक और बात बताते हैं इसको जो ऑब्जर्व टेबल कहते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू टेबल, ठीक है। एक और चीज़ जैसे कि हम बता दें, इन तीनों का जो ऐड करने पर आपको है जो यहाँ पर जो टोटल मिलेगा ना, ये दोनों का सेम मिलेगा, मतलब इन दोनों का टोटल, सॉरी हाँ हाँ इन दोनों का टोटल और इन तीनों का टोटल है वो सेम मिलेगा। अगर आपका ये टोटल गलत है तो शायद आप गलत कर रहे हैं, फिर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू तैयार करनी होगी। ये ऑब्जर्व वैल्यू है ये तो आप आसानी से तैयार कर लेंगे, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लिखा भी हुआ है, हमने यहाँ पर E1 लिख लिया, E2 लिख लिया, E3, E4, E5, E6, E4, E5, E6, E6 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अभी E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर 34 मतलब ये वाली वैल्यू और 25 मतलब ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मतलब क्या कहेंगे, हमने E1 निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालनी है। तो इसके सामने जो टोटल है 34 इसकी मल्टीप्लाई इसके सामने वाले 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 75 से, तो यहाँ पर है जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.33, ठीक है। उसके बाद हम E2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इसके सामने जो हमारे पास 34 है इसके सामने हमारे पास 25 है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 11.33, मतलब वैल्यूज़ आपकी लगभग सेम रहेंगी ऊपर वाले जो रो की। अब आते हैं सेकंड रो के अंदर E4 की वैल्यू, E4 की 15 के सामने 41 है और इसके सामने 25 है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 75 से, आपको वैल्यू मिलेगी 13.66। ऐसे ही आपको सभी वैल्यूज़ निकालनी होगी, आप ये चीज़ें आपको याद करनी होगी। देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस टाइम आपके पास समझने का टाइम नहीं है, ओके, तो आप समझिए मत, मतलब जो आपको समझ आ जाए वो बेहतर है, जो ना आए तो और भी बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास जो कोई भी हॉलीडे नहीं दिया गया है MPC 06 के अंदर और ब्रॉड सिलेबस है, ओके। अब आपको मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था एक्स केयर मतलब काई स्केयर जिसको बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस ई अपॉन ई, इसका स्केयर, सॉरी इसका ओ माइनस ई का है जो स्केयर, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे इसके। अब हमारे पास टेबल है, एक्सपेक्टेड टेबल है,
ऑब्जर्वेबल टेबल है, ऑब्जर्व टेबल है, उसको हमें जो राइट डाउन करेंगे, जैसे कि हमें क्या नोट करना है, जो चीज़ें हमें यूँ दी गई है हम ऐसे इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे। मतलब कॉलम वाइज कैसे, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, हम इनको जो कॉलम वाइज लिख लेंगे, जैसे 10, 13, 11, 15, 12, 14, ऐसे की ऐसे, जो ये वैल्यू थी हमने इनको ऐसे राइट डाउन कर लिया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल जो थी वहाँ से हमने वैल्यूज़ को उठा लिया, 11.333, 3.666, ऐसे ही हमने इनको राइट डाउन कर लिया। फिर क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे, ऐसे ही इनका स्केयर करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे ई की वैल्यू से। अब ई की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, ई की वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पर हम जिससे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भी ई की वैल्यू अलग अलग राइट डाउन करेंगे, ये आप कन्फ्यूज़न रहता है फिर आप कमेंट करोगे, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ई की वैल्यू 11.33 यूज़ करोगे और यहाँ पर ई की वैल्यू 13.66 आप यूज़ करोगे, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर इनका जो सम करके आपको इन वैल्यूज़ के साथ जो आपको आंसर गेट हो जाएगा। काइस्कीयर टेबल को देखने के लिए जो आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कैसे निकालना है, अभी वो भी यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे हम क्या लिखेंगे, कॉलम कितने हुए हमारे पास, 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं, हमने क्या किया, जो कॉलम में से एक को माइनस कर दिया, रो में से एक को माइनस, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 रहेगा, ओके। यदि हमारा एक्स केयर क्रिटिकल वैल्यू वो अगर ग्रेटर देन होगा एक्स केयर, मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, काई स्केयर की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन होगी एज कंपैरिजन टू काई स्केयर वैल्यू ऑफ अवर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हमारी हाइपोथीसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर वो लेस देन होगी क्रिटिकल से तो रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपको टेबल देखने के बाद पता चलेगा। ये था हमारा काई स्केयर टेस्ट। तो काई स्केयर टेस्ट के बाद जो आता है हमारे पास रेग्रेशन इक्वेशन आती है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन करने के बाद जो हमारे पास टेस्ट बच जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट, कैंडल टाउ करेंगे, और उसके बाद है जो एच टेस्ट, हम कुशाल वाली टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर ना रैंकिंग सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और आई होप उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। एक टेस्ट आपको पैरामीट्रिक का मिलेगा, एक नॉन पैरामीट्रिक का, और एक टेस्ट और ज़रूर मिलेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन करो और मौज लो, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा, फॉर्मूला हमारे पास वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको क्या याद रखना होगा भाई, एक्स की वैल्यू दी होगी, वाई की वैल्यू दी होगी आपको, और इस वैल्यू को आपको एक्स और वाई को सबसे पहले आप कॉलम के अंदर राइट डाउन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे दिखाया गया इसके अंदर एक्स की वैल्यू को आपने राइट कर लिया और वाई की वैल्यू को लिख लिया, और आपने यहाँ पर एक्स स्केयर वाई स्केयर और एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्यों की, ये आपको पता चलेगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको सबसे पहले जाकर एग्ज़ाम पेपर के अंदर, जो एग्ज़ाम के अंदर है, जो आपको पेपर रीड करना है, वहाँ पर अगर आपको दिखे तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, वहाँ पर अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखिए और बीटा का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर ना 3 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहली बात तो हम रिग्रेशन वैल्यू का वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स निकालेंगे। अब अल्फा की फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई, समझ रहे हो आप, डिवाइड बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर, समझ रहे हो, समेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर। अब ये वैल्यूज़ है जो कहाँ पर पुट होंगी, यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पर पुट हो जाएंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, एन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई, यहाँ पर है जो एन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्केयर। अभी यहाँ पर है जो नोट करने की बात यही है कि भी यहाँ पर है जो ये दोनों टर्म है जो आपकी सेम रहेंगी, चेंजेस यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आपका है जो ये टर्म आपकी अलग रहेगी, अल्फा के अंदर है जो, यहाँ पर आपकी एन वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आपकी एन वैल्यू है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसमें कहने का मतलब यही है, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और वाई की फॉर्मूला, इन 3 फॉर्मूला को आप याद करके फिर आपको अब ये देखिए एक्स स्केयर चाहिएगा, वाई स्केयर चाहिएगा और समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिएगा। एक्स स्केयर कर लिया, वाई स्केयर और मल्टीप्लाई एक्स वाई कर ली, सभी का समेशन निकाल लिया फार्मूला के अंदर है जो वैल्यूज़ को पुट कर लिया और आपका जो आंसर आ गया रिग्रेशन वैल्यू, ओके। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, आप एज इट इज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आप जो क्वेश्चन पेपर के अंदर है, जो मान लीजिए 2 या 3 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है रिग्रेशन वैल्यू निकालिए, और आपको कुछ ऐसी टर्म निकाली जाए जो ए बी की वैल्यू, एक्स वाई या जेड वाई, जो भी आपको वैल्यू दे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, आप है जो ऐसे ही निकाल सकते हैं।
रिग्रेशन के बाद हम करने वाले हैं भाई कैंडल टाउ। अभी कैंडल टाउ करें या फिर मैन विटने यू टेस्ट करें, कुछ भी कर लीजिए, रैंकिंग सिस्टम अभी यहाँ से शुरू हो चुका है। अभी कैंडल टाउ के अंदर आपको ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको वहाँ पर कैंडल टाउ के अंदर देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जो कैंडल टाउ के अंदर हम ये बात नोट करेंगे, आपको ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके डाटा मिलेगा, सभी की अलग अलग वैल्यू है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू। आपको इस डाटे को ना अरेंज करना होगा, अरेंज आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी कर सकते हैं, जब रैंकिंग सिस्टम में जब आप इसको अरेंज करेंगे तब आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 2, 7, 1, 5, 8 को यूं राइट डाउन कर लिया, 4, 5, 6, 8, 10 को यूं राइट डाउन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी डी लिख दिया। देखिए थोड़ा ना थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप रैंक देंगे, रैंक किसको, आर एक्स को देंगे। आर एक्स को रैंक कैसे देंगे कि सबसे पहले हम रैंक देंगे कैसे कि एक नंबर है जो हमारे पास वैल्यू एक है, इसकी वैल्यू एक है तो इसको एक रैंक दे दी, ठीक है। उसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दो, दो को दो रैंक दे दी। उसके बाद बड़ी वैल्यू हमारे पास 5, इसको 3 रैंक दे दी। उसके बाद जो बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है उसको 4 रैंक दे दी। ऐसे आपको रैंक देनी होगी, ऐसे करके आपको 5 रैंक है जो 8 को दे दोगे और 6 रैंक है जो 10 को दे दोगे। सिमिलरली आपको वाई के अंदर है जो रैंक देनी होगी, जैसे कि अब आप है जो इसके अंदर सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 4 है, 4 को एक रैंक दे दोगे, 5 को 2, 6 को 3, 8 को 4 और 9 को 5 और 10 को 6, ये आपको रैंक देनी है। मतलब छोटे से शुरू हो जाइए और रैंक देते चले जाइए बड़े नंबर तक, उसको डायरेक्ट उनके फ्रंट में लिख दीजिए, कोई काम नहीं करना आर एक्स के आर वाई के अंदर, ठीक है। अब जो सी आर एक्स वाई क्या लिखा है, हमने सी आर वाई क्या लिखा है, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे ए को ए से, बी को बी से। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई, कंपैरिजन ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई जो है राम मोटा है शाम से, शाम लंबा है, ऐसे मतलब हाइट और मोटापे को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाइट और हाइट को कंपेयर करेंगे, मोटापे और मोटापे के को, मोटापे को मोटापे के साथ कंपेयर करेंगे, ओके तो अब हम सी आर एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रैंक को नो सीरियल के अंदर लिख दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमने इसको क्या किस ऑर्डर के अंदर लिखा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने, यही मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है कि हम इसको असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 का लिख दिया। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख तो दिया, अब हम क्या करेंगे भाई, एक जो है, एक है वो किसको दिया है, हमने किसको रैंक दी है, सी को रैंक दी है भाई एक, तो हमने इसके सामने सी लिख दिया। दो किसको दी है, बी को दी है, सॉरी भाई सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो एक रैंक दी है वो सी को दी है, ठीक है। जो दो है यहाँ पर रैंक नहीं, यहाँ पर हमने इसको रैंक दी है, यहाँ पर तो रैंक लिखनी है लेकिन एक रैंक किसकी है, सी की है, सॉरी, ठीक है। दो रैंक किसकी है, ए की है। तीन रैंक किसकी है, डी की है। चार रैंक किसकी है, हमारे पास बी की है, ठीक है। ये बात वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और छः रैंक किसकी रहेगी हमारे पास, छः रैंक जो हमने दी थी यहाँ पर 6 के अंदर, 10 को दी थी एफ़ की। तो ऐसे हमने इनको साइड में राइट डाउन कर लिया। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान रहेगा। अब हमने रैंक इनको ऐसे दे दी, अब सी को सी के साथ कंपेयर करना है। अब हम इस सी को देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर सी कहाँ पर है, आर वाई के अंदर सी कहाँ पर है, यहाँ पर 3 के साथ। तो हमने यहाँ पर सी राइट डाउन किया, उसके बाद साइड में हमने लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ए, ए कहाँ पर है इसके अंदर, ए यहाँ पर है, ए के साइड में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर हमने क्या देखा, डी, डी यहाँ पर देखा हमने, कहाँ पर है डी, ये रहा, 4 लिख दिया। ऐसे ही 2, 6 और 5 लिख दिया। सबसे जो मेन पॉइंट आता है यहाँ तक तो है भाई आसान, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा यहाँ तक बिल्कुल आसान है, दिमाग थोड़ा लगता है यहाँ पर सी और डी की वैल्यू पर। इसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है ये, जो कैंडल टाउ का फॉर्मूला ये है भाई, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको सी और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपका ये जो सवाल बिल्कुल झट सेकंडों में निकल जाएगा। लेकिन सी और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ पर देखिए। आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करें, थोड़ा सा बैकवर्ड जाएँ और फिर आप थोड़ा देखें ध्यान से, ठीक है। तो आप देखिए अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू अब यहाँ पर देखिए आप इस सी आर वाई के अंदर, ठीक है, सी आर वाई के अंदर क्या है, सी को मिलेगी बड़ी वैल्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा, और डी को मिलेगी छोटी वैल्यू। फ़िलहाल के लिए
सी को बड़ी वैल्यू कैसे हम इसको अंदर कैसे करेंगे कि भी हमारे पास 3 है, आर वाई के अंदर कंपेयर करेंगे हम सी को, सी के साथ कंपेयर करेंगे आर वाई के साथ, तो यहाँ पर हमने देखा 3 है इसके पास वैल्यू, तो 3 के बाद है जो कितनी कितनी 3 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम डाउनवर्ड कंपेयर करेंगे ऐसे, 3 से बड़ी वैल्यू क्या है, 4, 5 और 6 हैं, 4, 5, 6 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर 1 आर वाई के अंदर, तो 1 से नीचे बड़ी वैल्यू कितनी होंगी, सारी 4 वैल्यू हैं बड़ी तो 2 लिख दिया, 4 से नीचे बड़ी वैल्यू कितनी होंगी, 2 हैं, 2 राइट डाउन कर दिया, 2 से नीचे 2 हैं, 6 से नीचे कुछ भी नहीं है, 5 से नीचे कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको ये जो याद करना पड़ेगा और फिर आपको ध्यान से इसको राइट डाउन करना होगा। अब डी के अंदर क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास 3 से नीचे छोटी वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, 2 लिख दिया, 1 से नीचे छोटी वैल्यू, 1 से छोटी है ही नहीं, 0 लिख दिया, 4 से छोटी वैल्यू सिर्फ 2 है, 1 लिख दिया, 2 से छोटी वैल्यू इससे नीचे क्या है, है ही नहीं, 0 लिख दिया, 6 से छोटी 5 है, 1 लिख दिया, 5 के नीचे छोटी 0 है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सी का समेशन निकाल दिया, डी का समेशन, और आपका रिजल्ट निकल गया। भाई देखो सम तो देखो आसान है, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है और सम की कंपैरिजन, लेकिन थोड़ी ट्रिक थोड़ी सी टफ है, ठीक है, आप है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे एक दो सम पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जो करते हैं मैन विट ने यू टेस्ट के अंदर भी रैंकिंग सिस्टम है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैन विट ने यू टेस्ट के अंदर भी आपको कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट मिलेगी, जैसे कि आपको ग्रुप 1 दे दिया और ग्रुप 2 दे दिया, उनकी जो वैल्यूज़ दे दी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रुप 1 को राइट डाउन कर लिया ऐसे, 40, 17, 46, 51, 45 ऐसे राइट डाउन कर लिया, 12, 18, 20, 15, 17 ऐसे यार राइट डाउन कर लिया, उसको फिर रैंक दे दी। अभी रैंक के लिए क्या करना होगा, रैंक इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, रैंक है जो दोनों ग्रुप के अंदर एक साथ देंगे, जैसे कि सबसे छोटी टर्म कौन सी, इसके अंदर 12, तो 12 पहली छोटी टर्म है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 इसको रैंक देंगे, फिर उसके बाद 15 है 2 देंगे, फिर 17 है उसको 3.5 क्यों दी, क्योंकि इसके अंदर 2 बार 17 होगा, आई थिंक यहाँ पर 3.5 हाँ है, देखो इनको पास 2 बार 17 है, आपको ये बात ध्यान रखिए। मान लीजिए इसके अंदर 3 बार 17 है, तो आप क्या करेंगे, n1 + n2 + n3 मीन्स आप तीनों को डिवाइड करके उसको है जो 3 से भाग करेंगे, फिर आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, वो है जो आपकी जो रैंकिंग वैल्यू रहेगी। जो यहाँ पर मैं n1 और n2 और n3 की बात कर रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए अब आपको 1 17 को वैल्यू देनी थी 3, दूसरे 17 को देनी थी 4, तो यहाँ पर आप दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग करेंगे, अगर यहाँ पर 1 17 होती उसके देते आप 5 वैल्यू, तो आप तीनों को डिवाइड करके फिर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो, जो वैल्यू आती है वो तीनों के अंदर है जो बांट देते, ठीक है। अभी 3.5 के बाद है जो आप 4 नहीं लिखोगे, उसके बाद डायरेक्ट 5 वैल्यू आएगी, 17 के बाद है जो कौन सी बड़ी टर्म है 18 है, 18 के अंदर है जो आप 5 वैल्यू देंगे, बिकॉज 3 और 4 दोनों कवर हो चुकी हैं। ऐसे ही आपको सबके अंदर रैंकिंग देने के बाद आप उन रैंकों को ऐड करेंगे, समेशन ऑफ R1 निकालेंगे और समेशन ऑफ R2 निकालेंगे, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, U1 = n1 + n2, आप मान लीजिए बड़ी ब्रैकेट, फिर है जो n1 × n1 + n1 (÷ 2) माइनस समेशन ऑफ r। सिमिलरली यहाँ पर n1 × n2 (÷ n2 + 1) / 2) और समेशन ऑफ r2, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी। अभी ये वैल्यू आपको है जो सिर्फ डायरेक्ट पुट करनी है, एक आपके अंदर जो ये बात आपको याद रखनी होगी, इसके अंदर सिर्फ हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंकिंग होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी रैंकिंग करते, इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही रैंकिंग होगी, ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर, अब और तो कुछ रहा ही नहीं, वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, जैसे n1 की वैल्यू 5, 5 है, ओबियस सी बात है, हमारी जो मेन तो रैंकिंग वैल्यू है। देखिए सम बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ रैंकिंग R1 समेशन निकालना है, R2 समेशन, बाकी N1 N2 तो आपको गिवन ही है भाई, और निकालना क्या, बिल्कुल आसान सम है। तो इसके अंदर है जो आप बोर्ड मास यूज़ करके वैल्यूज़ को राइट डाउन करेंगे, हमारे पास U की वैल्यू U डैश की वैल्यू आ जाती है, इन दोनों में से हमेशा है जो छोटी वैल्यू ही लेंगे, मैंने इसके अंदर राइट डाउन कर रखा है, जो भी हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई, जैसे 2.5 और 22.5 आ गई, तो हम इसमें छोटी वैल्यू लेंगे, हमने यहाँ पर 2.5 को एक्सेप्ट कर ली है। यदि हमारे पास U की वैल्यू, अब जो 2.5 है ये वैल्यू है जो हमने, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारी H नोट है वो क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। एक और बात हमने इसके अंदर है जो राइट डाउन कर रखी है,
अगर एन वन और एन टू की मल्टीप्लाई यू प्लस यू डैश के सम के बराबर हो तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, आपका जो वेरीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ है जो आपको नोट करने की है, ठीक है। मैन वेट ने यू टेस्ट हो गया, उसके बाद जो हम कर रहे हैं भाई वो है एच टेस्ट। बिल्कुल आसान है ये भी, बस इसके अंदर भी रैंकिंग सिस्टम है आपके पास है, जो तीन वैल्यू दे दी गई है, जैसे कि लो, मीडियम और हाई, मॉडरेट आप बोल सकते हैं, और हाई यहाँ पर। इन ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, तीन वैल्यू मिलेंगी आपको। क्या करना होगा, सबसे पहले रैंकिंग करनी होगी। रैंकिंग आप एंटायर डाटा के अंदर रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे की जाएगी, जैसे कि आपको मैन विटने के अंदर बता दी गई है, सबसे छोटी वैल्यू को पहले आप रैंक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप बड़ी वैल्यू को देंगे, जैसे कि अब इसके अंदर सबसे छोटी कौन सी है, 40 दिख रही है मेरे को, 40 है जो दो तीन बार आ चुकी है, दो बार आई है तो 1.5 दे दी है। उसके बाद एक और दो कवर हो गई, ठीक है, दो टर्म थी तो एक और दो कवर होगी। उसके बाद डायरेक्ट तीन है, तीन यहाँ पर 45 को दी है, चार 55 को दी है, उसके बाद पाँच 59 को। रैंकिंग करते वक्त आपको टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ा रैंकिंग आप ध्यान से करिएगा, वरना रैंकिंग करते हुए आपकी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका न्यूमेरिकल है जो गलत हो सकता है, ठीक है। तो रैंकिंग के अंदर सबसे पहले आपको रैंकिंग करनी होगी। फार्मूला राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन के अंदर फार्मूला क्या है, 12/n कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन ब्रैकेट बंद, और फिर है जो हमारे पास समेशन ऑफ आर के स्केयर का होल स्केयर डिवाइड बाय एन माइनस थ्री ब्रैकेट एन प्लस वन, हम कह सकते हैं 3 × n+1। तो ये फार्मूला है, यहाँ पर एन है टोटल नंबर ऑफ केसेस है जो कि इस नम के अंदर 15 हैं, ठीक है। 15 कैसे, हम आपको जो काउंट कर लें, N1, N2, N3, ओबियसली बात है 5 और 5 10 और 5 15 वैल्यूज़ होगी, तो टोटल नंबर ऑफ केस हो गए। एन है जो नंबर ऑफ केस इन ए ग्रुप, अब स्मॉल एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्येक ग्रुप के अंदर कितने नंबर हैं, 5 हैं। अब समेशन ऑफ आर है सम ऑफ रैंक, जो कि हम स्केयर्ड गिवन ग्रुप के अंदर निकालेंगे। हमने यहाँ पर रैंक की, उनका समेशन निकाला, R1, R2 और R3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर, जो आर के स्केयर है समेशन, उसमें तीनों आर कवर हो जाएंगे। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, 12, 15, 15, यहाँ पर 49.5, 46, 24 इनका स्केयर करेंगे माइनस एन, सिर्फ यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू, यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू, कैलकुलेशन आपकी होगी, आंसर भी आपका होगा, मार्क्स भी आपके होंगे। तो ये था हमारे पास एच क्रूशियल टेस्ट। इन शॉर्ट जितना हो सका मैंने जल्दी जल्दी आपको कवर अप करवाने की कोशिश की है, ओके। वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर करिएगा आपके फ्रेंड सर्कल्स के अंदर ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर आपको यहाँ तक देखना, मतलब देखना क्या, अगर आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी करें। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं थ्योरी करिए, न्यूमेरिकल करना चाहते हैं न्यूमेरिकल करिए, मगर कुछ ना कुछ करिए, ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ करना, ओके। अब हम करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट सबसे पहले है जो हम कंसीडर करेंगे आपको समझाने के लिए। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से टेस्ट हो जाते हैं, जहाँ पर है जो हमारे पास डाटा वैल्यूज़ के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर है जो हमारे पास रैंकिंग सिस्टम नहीं है, हम कह सकते हैं नंबर्स के अंदर है, वैल्यूज़ के अंदर है। तो नोट कीजिएगा थ्योरी, अब हमें जो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इट नॉर्मली इन्वॉल्व डाटा जहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर एज कंपैरिजन टू रैंक, ओके। जैसे कि टी टेस्ट हो गया, अब हमने पहले ही टेस्ट करवा दिया, पैरामीट्रिक टेस्ट करवा दिए हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करवा दिए हैं। अब इनको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके अजम्पशंस कर रहे हैं, डिसएडवांटेज और एडवांटेज जितना हो सके थ्योरिक पोर्शन भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम नोट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर जो टेस्ट करते हुए हमने कुछ अजम्पशंस की थी, आपको भी अगर वीडियो ना देखी हो वहाँ पर तो आप वीडियो को वहाँ तक देखिए, यहाँ तक आने तक है जो आपने, हम वहाँ पर कुछ अजम्पशंस की थी, और वो अजम्पशंस क्या कर रहे थे, हम अज्यूम कर रहे थे, ठीक है, वे जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो टर्म और कंडीशंस थी जो हम जो अज्यूम कर रहे थे, ठीक है। इट ऑपरेट अंडर कुछ कंडीशंस के अंदर होती हैं, सिंस दिस कंडीशन है जो ऑर्डिनरली टेस्टेड दे आर अज्यूम्ड टू होल्ड वैलिड, हम उनको जो ये कोशिश करते हैं कि वो वैलिड हो जाएं, ठीक है। तो मीनिंगफुल कब होगा टेस्ट, जब हमारी है जो अजम्पशंस है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस ऑफ PT बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या कह सकते हैं, PT यहाँ पर क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट भाई, शॉर्ट फॉर्म है, टाइम की शॉर्टेज ही हमने शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, जहाँ पर नंबर्स और वैल्यूज़ के अंदर आपको डाटा मिले, जहाँ पर डाटा है जो
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कुछ कंडीशंस है हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि अजम्पशंस भी आपको, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन। जैसे कि हमने बताया पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सभी टेस्ट आ जाते हैं, ये सभी पैरामीट्रिक होते हैं। टी टेस्ट के अंदर हम जो स्कोर्स के मीन वैल्यू निकालते हैं सिंगल वेरिएबल्स पर, जैसे कि दो क्लासेस के अंदर हमें जो एक सिंगल टेस्ट रख देते हैं, इंटेलिजेंस का लगा लीजिए या फिर राइटिंग कंपटीशन। तो राइटिंग कंपटीशन हमारा एक सिंगल वेरिएबल दो ग्रुप के अंदर है, वहाँ पर दो सैंपल ग्रुप हो गए हमारे पास, ओके। तो ये था टी टेस्ट। उसके बाद आता है पैरामीट्रिक के साथ साथ हम आपको कुछ चीज़ें भी बताएंगे, कुछ स्केल्स, स्केल जहाँ पर ये मेज़र किए जाते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं डाटा को मेज़र करने के लिए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। ये तो आई थिंक नॉन पैरामीट्रिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पैरामीट्रिक के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे पास इंटरवल स्केल और है जो एक रेशो स्केल्स, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल कौन से होते हैं, जहाँ पर हम डील करते हैं क्लासिफाइड डाटा के अंदर, जैसे कि मेल्स, फीमेल्स, वाइट एंड ब्लैक्स, ओके। ऑर्डिनल स्केल्स कौन से होंगे, जैसे कि आपको ने फेसबुक चलाया होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या शॉपिंग, अमेजोन को सभी जानते होंगे, अमेजोन चलाते हैं तो वहाँ पर रेटिंग मांगते हैं। रेटिंग क्या होता है, स्टार्स के अंदर होती है, आप कौन कितने स्टार देना चाहते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डील विद द इंटरवल डाटा, दे आर इन अ सर्टेन ऑर्डर बट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। डिफरेंस ज़रूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूज़ देनी होती है, एक स्टार आप लेस सेटिस्फेक्शन होगी, फाइव स्टार है जो हाई सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये था हमारे पास है जो ऑर्डिनल डाटा। उसके बाद आता है इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ ऑर्डर्ड वैल्यू होती है, इंटरवल पर बेस्ड होती है, लेकिन इनके अंदर कोई नेचुरल जीरो नहीं होती, जैसे कि टेम्परेचर हो गया हमारे पास, कैलेंडर्स हो गए। नोट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। रेशियो स्केल्स के अंदर कौन से होंगे, ये भी ऑर्डर्ड होंगे और इंटरवल्स के अंदर नहीं होंगे, ये सिर्फ ऑर्डर डाटा होंगे, जैसे कि इनके अंदर नेचुरल जीरो कंसिडर की जाती है। हाइट, वेट, एज, लेंथ, ये सभी हो गए रेशियो स्केल। ये सिर्फ आपको जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को रीड करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, डील करती है स्मॉल सैम्पल साइज के साथ, ठीक है। NPS है जो अज्यूम अजम्पशंस फ्री, मीनिंग देयर आर नॉट बाउंडेड बाय एनी अजम्पशंस। अब वहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं, कुछ अज्यूम कर रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत कम अजम्पशन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा है रैंकिंग सिस्टम के अंदर, हम उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अजम्पशन बहुत कम होती है। उसके बाद आता है हमारे पास NPS आर वेरी फ्रेंडली कंपेयर्ड विद PS पैरामीट्रिक टेस्ट। NPS बोले तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। इन केस ऑफ काउंटेड और रैंकिंग डाटा वी मेड यूज़ ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम रैंकिंग डाटा का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इट इज़ आर्ग्यूड दैट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैव ग्रेटर मेरिट बिकॉज देयर वैलिडिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। इसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेरिजन टू पैरामीट्रिक, क्योंकि यहाँ पर अजम्पशंस बहुत कम होती है, और शायद इससे बड़ा एडवांटेज भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके एडवांटेज के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप क्या कह सकता हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाइएगा, एक दिन के अंदर नोट्स बन जाएंगे या 5-6 घंटे के अंदर। मेन आप लिखिए, वही आप याद कीजिए, कम याद कीजिए लेकिन बेहतर याद कीजिए, ओके। इट मे बी नोटेड दैट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर लेस प्रेसाइज, लेकिन ये जो प्रेसाइज कम होते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आप ये मान लीजिए, कम पावरफुल होते हैं एज कंपेरिजन टू पैरामीट्रिक टेस्ट। अजम्पशंस क्या होगी, डेफिनेशन हमने कर ली पैरामीट्रिक की, नॉन पैरामीट्रिक की डेफिनेशंस, इंटरवल जोन के स्केल्स कर लिए, जैसे हम डाटा मेजर कर रहे हैं, उसके बाद अजम्पशंस आ जाती है। अजम्पशंस पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो अजम्पशन हम करेंगे, देखिए, मे बी यूज फॉर एनालाइजिंग द डाटा वी सेटिस्फाई सेम कंडीशन। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले अजम्पशन है पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन होगी जिसे हम सैंपल उठाएंगे, ठीक है, जिसे हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रेफर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग ए नॉर्मल कर्व, जो ऐसे इस तरह का कर्व बनाए, ठीक है, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस वे के अंदर हो, विच इज़ इनफाइनाइट एट बोथ एंड, यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, ये मीट नहीं करते इन पॉइंट्स पर, ठीक है। द वेरिएबल्स इन्वॉल्व मस्ट हैव बीन मेजर्ड इंटरवल और रेशियो स्केल्स। अब मैंने क्या बोला था, पैरामीट्रिक टेस्ट है वो इंटरवल्स के अंदर और रेशियो स्केल्स के अंदर होता है, ओके। उसके बाद जो टाइप ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मतलब क्या होगा,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद दीज पॉपुलेशन मस्ट हैव द सेम वेरियंस, इनके अंदर है जो वेरियंस हमारे पास सेम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट सेम है, लास्ट पॉइंट वेरियंस है जो इनका सेम मिलेगा। जैसा आप है जो सही समझे ऐसा आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एज इट इज़ राइट डाउन करना नोट्स का। आप अपने पॉइंट्स क्रिएट करिए, अपने पॉइंट्स राइट डाउन कीजिए, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अजम्पशन है जो नॉन पैरामीट्रिक के लिए, जैसे कि आपने वहाँ पर है जो सैम्पल साइज़ ग्रेटर हो सकता है पैरामीट्रिक के अंदर, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक के अंदर सैम्पल साइज स्मॉल होता है। जब अजम्पशंस है जो व्हेन अजम्पशंस लाइक नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, जब हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर हमारे पास ज़रा भी डाउट है तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ डाटा इज़ अवेलेबल आइदर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल, जब हमारे पास डाटा ऑर्डिनल फॉर्म के अंदर हो, नॉमिनल फॉर्म के अंदर हो, तो अब हम है जो इसका ही यूज़ करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बीच में या गुड और बैड की क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, जब वेरिएबल है जो एक्सप्रेस किए जाते हैं नॉमिनल फॉर्म के अंदर, आप इनको सेपरेट पॉइंट्स के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हैं। अभी एडवांटेज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की। एडवांटेज क्या है, सैंपल साइज स्मॉल होता है, वहाँ पर कोई अल्टरनेटिव देयर इज़ नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जब सैंपल साइज स्मॉल होगा तो वहाँ पर हम सिर्फ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कुछ अजम्पशंस, बहुत ही कम अजम्पशंस होती है, बिल्कुल इट मेक फ्यूअर अजम्पशंस अबाउट द डाटा एंड मे बी रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, सो सिचुएशन से रिलेट करती हैं हमारे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट इज बाय एनपी टेस्ट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये मदद करती हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो अवेलेबल होती है टू एनालाइज करने के लिए डाटा विच आर इनहेरेंटली इन रैंक्स, जो डाटा देखो अब जितने भी एडवांटेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या ये सभी ना मैं थ्योरी को पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको कम समझ आ रहा हो, लेकिन भाई अभी यही टाइम है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा लंबा खींचूँगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। रिसर्च मेथड्स की तरह वहाँ पर मैंने एक एक चैप्टर कवर करवाया है, उसका रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा है, मतलब बच्चे उसको कंप्लीट नहीं देख पा रहे। एवरेज 15-20 मिनट, अभी 4 घंटे की वीडियो में 15-20 मिनट देख के काम थोड़ी चलने वाला है भाई, समझे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ाने वाले का जो कसूर नहीं होता, पढ़ने वाले के अंदर भी थोड़ी भावना होनी चाहिए पढ़ने की, तो पढ़िए भाई पढ़िए, ठीक है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपको ये नोट करने की चीज़ है, अभी तक आपने शायद किया भी होगा, भाई जिसने पढ़ा होगा ना उसने किया होगा, कि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो मैंने डेफिनेशन बताई, ज़्यादातर पॉइंट उसी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर पॉइंट उसी से रिलेट है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपके जो सभी चीज़ें जो कवर होती चली जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बाद बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इन्फेरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव को समझने से पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स जो इस यूनिट के अंदर, जो हमारी जो लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सिंगुलर साइंस के अंदर यूज़ किया गया है इसका नाम, ठीक है। सिंगुलर कैसे, जो वो ब्रांच साइंस की, वो ब्रांच जो कि डील कर रही है किसके साथ, डाटा को कलेक्ट करने में, उसको क्लासिफाई करने में, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा। जब भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं उसके रिजल्ट्स को। तो इस सारी प्रोसेस को, इन सारी प्रोसेस को मिलाकर बनती है स्टैटिस्टिक्स। अभी दो प्रकार की स्टैटिस्टिक्स हो गई यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया, हम जब किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने यूनिवर्स, अपनी सोसाइटी, अपने जो सिटी, कहीं भी देख लीजिए, ह्यूमन का बिहेवियर आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी अलग अलग, हर बंदे के साथ ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसको समझने के लिए, डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो हमने क्या किया, उनको है जो न्यूमेरिकली हम उनके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें एक पॉपुलेशन उठा रहे हैं, पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से सैंपल साइज़ उठा रहे हैं, उन सैंपल्स पर उनके सैंपल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको क्लासीफाई, फिर एनालिसिस और इंटरप्रेट। तो ऐसा है जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम है। तो आप ये नोट्स पढ़िएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द यूनिवर्स आर सब्जेक्टेड टू वेरिएबिलिटी, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, अंडरस्टैंड। सो इन ऑर्डर टू मेक ए सेंसिबल डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप और टू आइडेंटिफाई द ग्रुप विद रेफरेंस टू देयर स्कोर,
हम उनके समझने की कोशिश करते हैं उनको स्कोर प्रोवाइड करके। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जो कि डील करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्टेनड डाटा, जो कि हमारे पास डाटा है उसको हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफाइंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इंक्लूड करती है क्लासिफिकेशन पर, टेबुलेशन पर, डायग्रामेटिकली ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होती है, टेबुलेशन क्या होती है। चलिए पहले मैं ना इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब आपने डाटा लिया, डाटा को ना आपने कलेक्ट करके उसको क्लासीफाई कर लिया, मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, क्लासीफाई कर लिया। टेबुलेशन के अंदर क्या, आपने टेबल बना ली, एक टेबल के अंदर क्या होगी, सब हेडिंग होगी, टाइटल होगा, फिर उनके जो कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब आपको टेबल पता होगा कैसे, रो अलग होती है, कॉलम अलग, फिर उनको हम स्कोर प्रोवाइड कराएंगे। डायग्रामेटिकली डायग्राम भी बनाएंगे, ग्राफिक डायग्राम के अंदर कौन से होते हैं, बार डायग्राम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, जहाँ पर हमें जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है दो चीज़ों से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, समराइजेशन ऑफ डाटा। चार टेक्निक्स होगी, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज नोन एज क्लासिफिकेशन। उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर हम जब डाटा को अरेंज कर रहे हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब हमें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डाटा को, हम कह सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ पर्सनस हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग वैल्यूज़ को हमें जो बता रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को। एक बार डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसको अरेंज करेंगे, फिर उसका कुछ कंक्लूजन, वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर भी बताया, क्लासिफाई, फिर उसको मैं जो क्या बताया था यार, मैं भी भूलने लग गया अभी तुम्हारे साथ साथ।